नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे कोलिडोकल सिस्ट के बारे में। कोलिडोकल सिस्ट एक कॉन्जेनिटल एनोमली है, यानी कि ये बर्थ के साथ ही होता है और इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक मालूम नहीं है। इसका मतलब है कि जो आपका सीबीडी या सीएचडी, यानी कि वो पाइप्स जो लीवर के जूस को आंत तक लेकर आती हैं, उनमें किसी लेवल पे डायलिटेशन है, यानी कि उनका जो साइज है वो नॉर्मल से बढ़ गया है। ये किसी भी लेवल पर हो सकता है, लीवर के अंदर से लेकर जहाँ नीचे पाइप छोटी आंत में जुड़ रही है, इस पूरे रास्ते में कहीं पर भी ये डायलिटेशन हो सकती है। और इसी आधार पर हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन में इसे क्लासिफाई करते हैं कि ये टाइप 1, टाइप 2 या ऐसे कई प्रकार से हो सकती हैं, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इसके कारणों में एक कारण ये माना जाता है कि जो बाइल डक्ट का पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ जो जंक्शन है, जहाँ आखिरी दोनों डक्ट्स मिलते हैं, उसमें कहीं थोड़ी एबनॉर्मलिटी है और पैंक्रियाटिक जूसेज जो है वो बाइल डक्ट के रास्ते बाइल डक्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं और इसके कारण से इसमें डायलिटेशन हो सकती है। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है? छोटे बच्चों में कई बार पेशेंट्स के पेरेंट्स या डॉक्टर जब उनके पेट में हाथ लगाते हैं तो उसमें एक बल्ज या एक मास फील हो सकता है, जिससे कि उन्हें अंदेशा लगता है कि पेट के अंदर कोई चीज़ है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। या इस जो सिस्ट है, इसके बार बार इन्फेक्शन होने से बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है, फीवर हो सकता है, और इस कारण भी जब इवेल्युएशन किया जाता है तो उन टेस्ट के अंदर कोलिडोकल सिस्ट का पता चल सकता है। मेन जो टेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड में यूजुअली पिक होता है, उसके बाद हम सीटी स्कैन या एमआरआई करवा सकते हैं इसके एग्जैक्ट एनाटॉमी देखने के लिए, ये कहां से कहां तक बना हुआ है। कुछ पेशेंट्स में, बच्चों में प्रेजेंट नहीं करता, उनमें बड़े एज में यानी टीनएजर्स में या इवन एडल्ट लाइफ में भी कई बार ये सिस्ट प्रेजेंट करती हैं। इसका इलाज क्या है? क्योंकि ये सिस्ट हैं, डायलिटेशन है, तो किसी भी दवाई से इसका इलाज नहीं होगा। कुछ एक कंडीशंस में इसे ऐसे छोड़ा भी जा सकता है, कुछ स्पेसिफिक सर्जरी की जरूरत नहीं होती, लेकिन बहुत सारे कंडीशंस में इसके सर्जरी करना पड़ता है अलग अलग कारणों से। कुछ तो ये है कि किसी में अगर ये बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या जॉन्डिस हो रहा है तो उस कारण, और कुछ सिस्ट में मेलिग्नेंट पोटेंशियल रहता है, यानी कि अगर उन्हें ना निकाला जाए तो उनमें कैंसर बनने का रिस्क रहता है, इस कारण भी डॉक्टर्स इसे निकलवाने का एडवाइस करते हैं। ये सर्जरी दूरबीन से भी की जा सकती है और आजकल रोबोटिक सर्जरी भी की जा सकती है, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल सर्जरी से थोड़ी डिफिकल्ट रहती हैं तो आपको डॉक्टर शायद रिकमेंड करेंगे कि हाई वॉल्यूम सेंटर्स या एक्सपर्ट सर्जन से ही ये सर्जरी करवाएं। सर्जरी के दौरान इन सिस्ट को निकाल दिया जाता है और जहां पर नॉर्मल डक्ट है उसे छोटी आंत के साथ एक डायरेक्ट एनास्टमोसिस यानी कि जोड़ बना दिया जाता है, ताकि जो लीवर का जूस है वो डायरेक्टली छोटी आंत में जाता रहे और जो सिस्ट है उसे हम निकाल पाएं। इसके बाद पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं और जो बार बार उन्हें कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे उनसे उन्हें छुटकारा मिल जाता है। सो अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को कोलिडोकल सिस्ट का डायग्नोसिस बना है तो घबराइए नहीं, अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, देखिए कि इसका टाइप क्या है, उसके क्या ट्रीटमेंट्स डॉक्टर आपको बता रहे हैं और उसी हिसाब से आगे प्लान कीजिए। इसकी सर्जरी इजीली करवाई जा सकती है और आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको कोलिडोकल सिस्ट के बारे में आइडिया लगा होगा और आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। थैंक यू।